ओम शांति। आज के महाभाग्यों में एक शब्द आया, महावीर। महावीर बच्चे कौन हैं? जो माया पर सदा विजयी होते हैं। सदा विजयी होने वाले बच्चों को महावीर कहा जाता है। दुनिया में महावीर और सोल्जर उन्हें कहते हैं जो दुश्मनों का डट कर सामना करते हैं। महावीर कभी पीठ पीछे वार नहीं करता। और महावीर की एक और पहचान होती है कि वो रणभूमि में कभी भी पीठ नहीं दिखाता है, सदा उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। उसका हौसला कभी कम नहीं होता। दुश्मन लाख हों या करोड़ हों, अकेला महावीर बहुत है उनका सामना करने के लिए। ठीक उसी प्रकार धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हमें माया से, परिस्थितियों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचना नहीं है, भागना नहीं है, अपितु उन पर विजय प्राप्त करना है। जो हो गया पास्ट में वो 5000 वर्ष बाद होगा, अब वो इस जन्म में नहीं होगा, उसे विसार दीजिए। नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है। बाबा ने कहा कि मच्छरों मिसल शिव की बारात में सबको परम धाम जाना है। मुक्ति का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा शिव बाबा देने आए हैं। तो हमें ज्ञान के जौहर को ज्ञान में और तीखा होना है और सत्य के फर्स्ट जन्म में आने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं इस सृष्टि पर सत्ययुग में फिर से आना शुरू करेंगी और यह कल्प 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट होना है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर निश्चय और नशे के साथ शिव बाबा को याद करना है। मनमत और परमत का प्रयोग ना करें। यदि आप मनमत या परमत का प्रयोग हम आत्माएं करेंगे तो हमारी जो मैल है, हमारे जो विकर्म है, वो दग्ध नहीं होंगे और हमें भी धर्मराज के सामने, यमराज के सामने दंड का भागी बनना पड़ेगा, हमें भी दंड प्राप्त होगा। इसलिए हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्काम सेवाधारी बनकर शिव बाबा की याद में रहना है, पवित्र बनना और बनाने का सबसे मंगल कार्य करते रहना है। और इस बात का ध्यान देना है कि जब भी कोई माया, जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति के रूप में हमारे संकल्पों को, हमारी एकाग्रता को भंग करे, तो हमें उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तभी हम पार पा पाएंगे। क्रोध और अहंकार के कारण हम स्वयं का नाश करते हैं, हम अपनी ही बर्बादी करते हैं। और जो व्यक्ति हमारे एकाग्रता को, हमारे एकांत को भंग करने आया था, या जो वस्तु आई थी, वो अपने कार्य में सफल हो जाती है और वो विजयी हो जाती है। तो हमें महावीर बनना है और महावीर बनकर माया के एक एक परत का, धर्म के एक एक परत का ज्ञान रखकर उस पर विजय प्राप्त करनी है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। आज इस बात का चिंतन करेंगे। ओम शांति।